नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के पेपर की, यानी कि 13 मई 2023 को जो सीपीसीटी का पेपर हुआ उसके बारे में हम सभी लोग आज डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कल भी कुछ बच्चों का पेपर है, यानी कि 14 मई को भी काफ़ी बच्चों का पेपर है। तो आज के पेपर में जब मैंने बात की जो बच्चे पास हुए हैं उनसे और जो बच्चे फेल हुए हैं उनसे, दोनों तरह के बच्चों से जब मैंने डिस्कशन किया, उनसे मैंने कुछ अपने क्वेश्चन रखे उनके सामने, तो उनके जो आंसर थे सभी के सिमिलर आ रहे हैं। तीन चीज़ें निकल के आई हैं, मेन तो मैं आपको तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ निकल के आई है, वो सभी कह रहे हैं कि सर MS ऑफिस जो है बहुत ज़्यादा ही था। मतलब आप 52 में से लगभग 18 से 20 नंबर का क्या मान सकते हैं, MS ऑफिस को मान सकते हैं। दूसरी बात जो निकल के आई है वो आई है हिंदी के पैसेज को लेकर, हिंदी के पैसेज को लेकर। हिंदी के पैसेज का ये कहा जा रहा है कि सर हिंदी के पैसेज में जो क्वेश्चन आने चाहिए थे क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार थे, हमें लगता था कि आंसर सही है लेकिन हमारे 5 में से 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के बात यही है कि पैसेज से नंबर आपके कट रहे हैं। और एक और चीज़ निकल के सामने वो ये आई है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित है ही नहीं। तो देखिए हर बार ऐसा होता है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी ना तो देखे हुए होते, ना ही आपने कभी उनको पढ़ा हुआ होता, ना ही किसी ने उनको पढ़ाया हुआ होता है। बेसिकली उनको आपकी एग्ज़ाम में रखने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप उनमें अपना समय बर्बाद करें। एक क्वेश्चन को यदि आपने 3 मिनट भी दे दिया और इस तरीके के 5 क्वेश्चन उन्होंने वहाँ रख दिए, तो 15 मिनट आपने आपके एग्ज़ाम के वहाँ वेस्ट कर दिए। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आपको इनको क्या करना है, स्किप मार देना है ना, छोड़ देना है इनको, या फिर वो जो रिव्यू मार्क रिव्यू आता है ना कि बाद में देखेंगे समय बचा तो, वो करना है आपको। ठीक है, आपको अपना समय यहाँ बर्बाद नहीं करना है। जो समय यहाँ बच रहा है उसको मैथ की कैलकुलेशन में दीजिए, रीजनिंग की कैलकुलेशन में आप अपना समय यहाँ से दीजिए। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा है या ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए ना। 2 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसको बर्बाद करके आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसके लिए 1 मिनट ही काफ़ी है। इस बात को ध्यान रखें, कल जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए कल आपको क्या करना है, MS वर्ड थोड़ा जितना हो सके ना, जितने ज़्यादा मोस्टली जितने 150 200 जितने क्वेश्चन हो सके लगा के जाइए आप, है ना। इसमें भी बेसिकली सबसे बढ़िया वर्ड और MS एक्सेल। ठीक है, हिंदी के पैसेज का मैंने पहले भी कहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं क्या वो मैच कर रहा है क्वेश्चन से। इसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया कि आपको पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए होता है क्या अक्सर कि जैसे मैंने आपको एक नाम दिया, मान लीजिए आप धर्मेंद्र, मैंने आपको एक नाम दिया धर्मेंद्र, ठीक है। अब उस नाम का आपकी ज़िंदगी से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन कल को अगर आपको धर्मेंद्र नाम का कोई व्यक्ति मिलता है, एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, कल को आपको अगर धर्मेंद्र नाम का कोई व्यक्ति मिलता है तो आपको मेरी शक्ल याद आ जाएगी कि मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, धर्मेंद्र नाम मैंने आपको बताया था। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें कार लेनी है या हमें बाइक लेनी है, मान लीजिए मेरी फेवरेट कार है क्रेटा, तो अगर मैं क्रेटा को सोचूंगा, क्रेटा के बारे में सोचूंगा, इमेजिन करूंगा, तो मुझे हर जगह वो कार दिखाई देगी। मानते हैं आप इस बात को, यदि आप लोग घर बना रहे हैं तो आपको हर जगह बनते हुए घर दिखाई देंगे। आपको किसी कोई सी चीज़ पसंद पसंद है तो हर जगह आपको वही चीज़ दिखेगी। तो ये हमारा क्या होता है, माइंड होता है, जो एक बार अगर किसी चीज़ को पकड़ ले तो हर जगह हमें फिर वो चीज़ नोटिस होने लगती है। तो सबसे बढ़िया है पैसेज को सोल्व करने का तरीका कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। जैसे कि मान के चले क्वेश्चन आया कि राहुल बाजार गया था ये सामान लेने, अब अगर ये चीज़ आपको पैसेज में जब आप पढ़ेंगे वहाँ आपको राहुल दिखेगा, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ उसका आंसर दे देगा कि हमने भी क्वेश्चन पढ़ा है कि राहुल किस चीज़ के लिए बाजार गया, आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को करके देखिए, फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ें, फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस पैसेज में इसका आंसर कहाँ है, फिर पूरा पैसेज पढ़ते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपको पैसेज पे आना है। गलती को दोहराए नहीं, पैसेज में कम से कम 5 में से 5 नंबर आपको लिखने हैं। 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो 37 नंबर पैकेट के हैं, 1 नंबर की वैल्यू उन्हें पता है। कल को आपका में से 37 नंबर वाला ना आए, इसलिए मैं आपके लिए इतना सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टाइपिंग वाइपिंग सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग वही है जो हर बार आती है, 20 25 30 स्पीड सभी की आ रही है, लगभग इजीली आपका काम हो जाएगा। दो चीज़ों का ध्यान बेसिकली रखना है आपको, उन क्वेश्चनों को स्किप करना जो नहीं आता है, MS ऑफिस MS वर्ड जितना अच्छा हो सके उतना कर लो। हिंदी के पैसेज के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो पास निश्चित तौर पर हो जाओगे। ये गलतियाँ अगर आप कल एग्जाम में नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।